thing. We are friends. Yeah. Come on. और यहाँ पर फतेह और जीतों के बीच में मुकाबला जीत यहाँ पर हिट आया है और दोनों के बीच में यहाँ पर फतेह के ऊपर पूरा जोर लगा के पकड़ा हुआ है और बहुत ही यहाँ पर अटैक शुरू कर दिया है जीतू चौधरी ने। अपने ही खिलाड़ी को डिस्टर्ब करते हुए यहाँ पर वो कहते हैं कि इसके ऊपर मैं आऊंगा अंदर और मैं इसके ऊपर अटैक शुरू करूंगा। यहाँ पर फाइट में फतेह को बालों से खींचते हुए यहाँ पर दौड़ के साइड में लेके आया और यहाँ पर दौड़ अजमाई सकते सानू सट्टू हूँ साढ़े भैया फतेह के द्वारा लेकिन अपने बचाव में कोरोना में जाते हुए और यहाँ पर लगता है जीतू चौधरी अंदर आने की तैयारी में लेकिन वो उनपे हौसला नहीं बन रहा रहने के लिए। लेकिन जीतू चौधरी यहाँ पर बार बार उनको प्रोत्साहित करते हुए उनको हौसला बढ़ाते हुए लेकिन वो जीतू चौधरी को अंदर बुलाने की तैयारी में यहाँ पर हर्ष और आ चुके अंदर जीतू चौधरी मैच के अंदर यहाँ पर और पीछे से बालों से खींच लिया फतेह ने। यहाँ पर फतेह ये फोन है लेकिन रेफरी की जानकारी में ये नहीं है कि उन्होंने पीछे से बाल से यहाँ पर राज ने बिठा दिया। बहुत ही शानदार किया है उनका और यहाँ पर इधर पकड़ दिया है जीतू चौधरी ने फतेह को लेकिन फतेह ने किक लगाई जीतू चौधरी के ऊपर और यहाँ पर इन सरकार को इस पर जीतू चौधरी फतेह को दोनों अभी नीचे पार आ चुके हैं लेकिन पीछे से धकेलते हुए उनके साथी खिलाड़ी यहाँ पर जब भी यहाँ पर उनका पलड़ा भारी होता है जीतू चौधरी का तो बीच में आ जाते हैं उनके साथी खिलाड़ी लेकिन यहाँ पर राज आ चुका है और उठा दिया है यहाँ पर गिरा दिया नीचे बैरिकेड के पास और यहाँ पर बैरिकेड पर फिर मारा जीतू चौधरी ने राज को रिंग में लाने की तैयारी में यहाँ पर जीतू चौधरी ऊपर फतेह का और एक बार फिर अटैक किया फतेह के ऊपर और एक शानदार चेक के द्वारा बदला लिया दोनों के बीच में शानदार बिगड़ते एक दूसरे को और यहाँ पर रिंग में खींच कर लेके आए जीतू चौधरी फतेह को एक शानदार यहाँ पर मुक्के के द्वारा बदला लिया जीतू चौधरी ने और यहाँ पर उठाने की जबरदस्त चौक छलांग दी है यहाँ पर जीतू चौधरी ने लेकिन रेफरी की काउंटिंग से पहले ही किक आउट कर गए यहाँ पर फतेह। एक बार फिर अपनी कोनी के साथ यहाँ पर बार बार यहाँ पर लेकिन फतेह भी हार मानने को तैयार नहीं और फिर किक आउट कर गए यहाँ पर फतेह। एक बहुत ही शानदार चौक लगाई है यहाँ पर जीतू चौधरी के द्वारा और एक बार फिर यहाँ चौक लगाने की तैयारी में
लेकिन मुक्के के साथ बदला। यहाँ पर फतेह हार मानने को तैयार नहीं, दोनों मैच में अभी तक बने हुए हैं। जीतू चौधरी सी डब्ल्यू के बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सुपरस्टार रेसलर हैं और एक बार फिर यहाँ पर अपने गांव में उनको जकड़ लिया जीतू चौधरी ने लगातार उनके पास, और एक बार फिर यहाँ पर अटैक किया उनको फतेह के ऊपर। और एक बार फिर उनकी गर्दन जोरदार तरीके से दबा लिया जीतू चौधरी ने, लेकिन रेफरी की काउंटिंग से पहले यहां पर किक आउट कर गए। चल 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 जीतू, कम ऑन कम ऑन, हां क्या हुआ कम ऑन। और दर्शक फतेह की बैटिंग करते हुए वापसी करते हैं फतेह, ये तो अभी पूरा जोर लगा दिया फतेह ने वापसी करने में, लेकिन उन्होंने जीतू चौधरी ने उनकी गर्दन को इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ है और ना छूटने के प्रयास में, और एक बार फिर उठा लिया है। शानदार वापसी की है फतेह ने इस मैच में, और यहाँ पर टैग करने के लिए गए थे जीतू चौधरी, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी यहाँ पर अंदर आने की कोशिश में, लेकिन राज पीछे से आ चुके हैं। तो कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में, शानदार किक लगाई यहाँ पर राज ने, फिर बहुत ही शानदार यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर एक बार फिर बहुत ही शानदार दोनों, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर अपने बदला लिया राज के द्वारा। आज लगता है पहला भारत राज और फतेह का है, लेकिन जीतू चौधरी ने पर जो अटैक किया, लेकिन दूसरे उनके साथ ही खिलाड़ी भी अंदर आ चुके हैं। रेफरी ने बोला यह छोड़ है, रेफरी तय कर गया, फतेह भी अंदर आ चुके हैं मैच के, और दोनों के दोनों खिलाड़ियों ने जीतू चौधरी को पकड़ लिया है, और यहाँ पर लेकिन बदला लिया, तुरंत बदला लिया जीतू चौधरी ने, खतरनाक किक लगाई, बहुत ही खतरनाक तुरंत बदला दिया फतेह के द्वारा जीतू चौधरी से, और उनके साथी टीम ने भी आकर उनको सपोर्ट किया जीतू चौधरी को, और रेफरी के काउंट और आज का शानदार मैच, बहुत ही शानदार मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में, और ये बेल्ट लेके जा रहे हैं, ये शायद बेल्ट से अटैक करेंगे दूसरे रेसलर के ऊपर, लेकिन रेफरी बोल रहा है कि ये फोन है, ये मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, लेकिन रेसलर मान नहीं रहा। उसके बाद यहाँ बेल्ट के द्वारा यहाँ पर, लेकिन जीतू चौधरी ने छीनने की कोशिश की उनसे बेल्ट, और यहाँ पर हथियारों के बल पर नहीं जीतूंगा, मैं अपने दम पर जीतूंगा। बहुत ही खतरनाक किक लगाई यहाँ पर, और इस मैच में फतेह ने तुरंत वापसी की, जिसका बदला लिया फतेह के द्वारा।